नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BM GST की अकाउंटिंग को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, जहां वर्ड आ जाता है GST का, तो GST वर्ड सुनते सुनते हमें आज 5 साल हो चुके हैं, तो एक कॉमन सा वर्ड बन चुका है GST का। तो दोस्तों, अगर हम GST शब्द की बात करें, GST वर्ड को देखें, तो इसके अंदर आपको दो टाइप की बिजनेस है जो देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो केवल प्रोडक्ट के अंदर अपना परचेज सेल करती है, और एक ऐसी कंपनी जो सर्विस का बिजनेस के अंदर डील करती है, यानी कि वो कंपनी प्रोडक्ट को नहीं परचेज करती, नहीं सेल करती, वो केवल सर्विस को सेल करती है। और एक नॉर्मल बिजनेस जहाँ पर वो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं। जैसा कि हम इस इनवॉइस के जरिए हम देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एक टैक्स इनवॉइस है, और इस टैक्स इनवॉइस के अंदर हमने मान लीजिए ये प्रोडक्ट परचेज किए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अभी जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, इसी प्रोडक्ट को हमें सेल भी करना होगा हमारा मार्जिन लेके। मान लीजिए कोई भी आपको प्रोडक्ट है, जैसा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास 17.80 रुपये का आया हुआ है, आपने इसको 25.50 रुपये के अंदर सेल कर दिया, यानी कि अपना मार्जिन लेके, अपना प्रॉफिट लेके आपने सेल कर दिया। तो यानी कि हम इस टाइप के बिजनेस की अगर अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, तो वो हमारा एज ए ट्रेडिंग बिजनेस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, अगर हमें ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़े जहाँ पर प्रोडक्ट भी होता है और साथ में उसका सर्विस भी होता है, या दोनों डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम गुड्स की लेन देन करते हैं, यानी कि परचेज और सेल हम करते हैं, तो आपने देखा होगा भी आपके पास मल्टी टैक्स रेट के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसा कि 5% का हो सकता है, 12% का, 18% का, 28% का, या फिर वो GST एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री हो सकता है। लेकिन बात हम करें सर्विस की, तो सर्विस के अंदर ऑलमोस्ट जो हमारा टैक्स रेट रहता है वो 18 यानी कि 18% का ही रहता है। अब इसके अंदर आप कह सकते हो 5 बार, 18, 28 या कोई एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 18% का ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको भी इसी टाइप की किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ जाए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, या जस्ट आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अकाउंटेंट बनने के लिए जो बेसिक्स बातें, जो बेसिक नॉलेज जो आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, वो आज आपको इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केवल और केवल गुड्स, यानी कि जो सामान का अगर हमें परचेज सेल करना हो, तो वहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट करी है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए स्मार्ट अकाउंटिंग RS नगर के नाम से, और आप हमारे टोटल वीडियोज़ देख सकते हो। या फिर अगर आपको केवल टैली सॉफ्टवेयर ही सीखना है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाइए, और जहाँ पर हमने इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर टैली प्राइम का हमने एक जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर आपको टोटल 239 यानी कि 239 वीडियो आपको टोटल टैली सॉफ्टवेयर की एंट्री से रिलेटेड, टैली सॉफ्टवेयर के फीचर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सारी आपके वीडियो टोटल हमारे इस चैनल पर अपलोड करी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स बातें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है भी हमें बेसिक बातें हमें जो जाननी बहुत ही ज़रूरी होती है भी, किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हमें आगे अगर बढ़ना होता है, तो उसका बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक किसी भी लाइन का बेसिक नॉलेज हमें पता नहीं होगा, तब तक हम उस फीचर्स को, हम उस मतलब जो हमें हासिल करना है, उस मुकाम तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा बेस वीक है। तो हमें बेस हमारा स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ वही बेसिक बातें शेयर करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों, कि जैसा कि हम अमूमन आपने देखा होगा भी, एक नॉर्मल कोई भी शॉप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, जो क्या करती है, प्रोडक्ट को परचेज करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है। तो टैली सॉफ्टवेयर में जैसे हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने के बाद हमें GST के ऑप्शन को इनेबल करना होता है। अब GST के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हम कंपनी पर चलते हैं,
फीचर्स पे जाएंगे और देन उसके बाद इस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपने देखा होगा पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जीएसटी का। हम जैसे जीएसटी पे चलते हैं उसके बाद में आपका स्टेट, जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है, कंपोजिशन हो या फिर रेगुलर हो, उसके बाद में सारी आपका जीएसटी नंबर कंपनी का, और उसके बाद आपकी जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है वो आप मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली फाइल करते हो, तो वो आप अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। भी अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको मंथली फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप क्वार्टरली वाला ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो, तो वो आपको अपनी बिजनेस के टर्नओवर के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो ये बेसिक बातें हैं, ये इसके बारे में पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो में ऑलरेडी बना भी चुका हूँ मैं, तो इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं उस स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर लेते हैं। जो अब हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल हम गुड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई सर्विस के बारे में बात नहीं करी। सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं केवल गुड्स को। गुड्स के लिए हम चलते हैं जैसे उसके बाद हम क्रिएट पे चलते हैं, उसके बाद हम स्टॉक आइटम पर जाते हैं, और आइटम जाने के बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अब आइटम कोई भी हो सकती है, वो आपको वाउचर दे के आप अपने ये प्रोडक्ट है जो आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट मैंने डेमो के लिए बना रखे हैं, तो इसके मैं एल्टर पे जाता हूँ, और एल्टर पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आइटम ये बना रखे हैं 5 आइटम, आइटम ए बी सी डी ई के नाम से, तो आइटम हमने क्रिएट कर ली। देन उसके बाद उसकी हम यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं भी ये जो प्रोडक्ट है ये किस यूनिट के अंदर हम इसको सेल करते हैं, पीसीस में रहेगा, क्विंटल्स में रहेगा, पैकेट में रहेगा, किस में रहेगा, तो वो हम यहाँ पर यूनिट्स है जो क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद में जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हैं, और यहाँ पर इसका जो हमारा डिस्क्रिप्शंस है, इसके एचएसएन कोड है, और इस या जो प्रोडक्ट है ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में इसका जो प्रोडक्ट का टैक्स रेट है वो टैक्स रेट हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो प्रोडक्ट जो टैक्स की कैलकुलेशन करेगा वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो टैक्स रेट दिया उसी बेस पे ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 5% का और आपने यहाँ पर टैक्स रेट दे दिया 12% का, तो वो 12% ही चार्ज करेगा, 5% टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो ये बेसिक हम, और उसके बाद में मेन चीज़ यहाँ पर आती है भी टाइप ऑफ सप्लाई। भी टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डील करते हैं गुड्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इसको हमें सेल करना है, ये सर्विस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको गुड्स रख के इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में जो हम लेज़र क्रिएट करते हैं परचेज के या फिर सेल्स के, तो आपने देखा होगा जैसे कि हमने ये सेल जीएसटी 12% का लेज़र है, सेल्स हमने सेल्स का लेज़र क्रिएट किया, ग्रुप हमने इसका लिखा सेल्स काउंट का, देन उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल, ये बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट 12% के ही टैक्स रेट हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये 12% का सेल का लेज़र हमने क्रिएट किया तो टैक्स तो लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर हम इसको रखते हैं गुड्स, क्योंकि ये हमारा गुड्स सेल कर रहे हैं, न कि सर्विस सेल कर रहे हैं। और उसके बाद में हम परचेज और सेल की एंट्री एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये परचेज की एंट्री हम चलते हैं और टोटल वाउचर को हम ओपन कर लेते हैं, जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए हैं उस एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं। फिर जैसा कि ये हमारे पास एक सप्लायर है राम ब्रदर्स, ये उनका इनवॉइस का नंबर आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद में ये जो हमारे प्रोडक्ट जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, आइटम की क्वांटिटी, उनके रेट वैल्यू और उसका जो परचेज़ का लेज़र है वो क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसका नॉर्मली CGST और SGST टैक्स यहाँ पर लगा के इस वाउचर को एक्सेप्ट करा देते हैं। और इसी तरीके से हम इसको इन्हीं प्रोडक्ट को हम सेल भी कर देते हैं, आइटम का नाम, क्वांटिटी और क्या रेट हमने उसको सेल किया है, और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स हमारा लग जाता है। तो ये बातें होगी बेसिक बातें हमने भी प्रोडक्ट के अंदर जो हमने डील करी है। अब बात आती है सर्विस की। अब कुछ ऐसी कंपनी होती है वो केवल सर्विस सेल करती है, और कुछ एक ऐसी कंपनी होती है जो सर्विस को परचेज भी करती है और सर्विस को सेल भी करती है। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट कंपनियाँ क्या करती है, सेल करती है। जैसे सेल का सर्विस का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट तो न तो परचेज करती है न सेल करती है, उसका काम है केवल सर्विस देना। अब मान लीजिए भी आप एक एडवोकेट हो या आप कोई भी एक लीगल प्रोफेशनल लोग हो, आपका काम है भी लोगों को आप गाइड करते हो, और जो आपने गाइड किया है, जो उनके लिए आपने उनको टाइम दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर से पैसा लेते हो। तो यानी कि वो आपने कोई प्रोडक्ट तो उनको सेल किया नहीं है, आपने केवल अपना टाइम दिया, यानी कि आपने उनको सर्विस दी है, अपना ज्ञान आपने उन लोगों को दिया है, और उस ज्ञान के बदले में आपने उससे पैसा चार्ज करना है।
तो आप पैसा चार्ज करोगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स आपने कहाँ से लिया? कस्टमर से तो टैक्स ले लिया। फिर मान लीजिए आपका जो सर्विस चार्ज है वो सर्विस चार्ज बनता है 5,000 रुपये का, ओके, और आपने कस्टमर से इसके ऊपर 18% का टैक्स भी ले लिया। तो अब 18% के अंदर क्या होगा भाई, 9% आपको सीजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब 9% के सीजीएसटी की बात करें 450 रुपये और एसजीएसटी भी 450 रुपये। तो इस हिसाब से आपका इसका टैक्स भी आ जाएगा 450 रुपये। तो यानी कि अगर हम तीनों के टोटल करें टैक्स की अमाउंट और आपका सर्विस चार्ज, तो टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा 5,900 रुपये। यानी कि आप कस्टमर्स को जो इनवॉइस दोगे या कस्टमर से आप जो अमाउंट रिसीव करोगे वो 5,900 रुपये की करोगे, लेकिन आपका फीस था 5,000 रुपये का और आपने कस्टमर से ये 450 रुपये टैक्स के रूप में ले लिया। तो अब ये जो टैक्स आपने कस्टमर से ले लिया ये आपको अब गवर्नमेंट को पे करना होगा, क्योंकि आपके जेब में से तो लग नहीं रहा, कस्टमर से आपने तो ले लिया। तो ये आपको इनवॉइस किस तरीके से बनाना होता है। अब इस कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे हम चलते हैं और एक बार मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया सर्विस कंपनी का फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इसमें हम कोई ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है सब ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं। और उसके बाद में जैसे हमने ये कंपनी को क्रिएट कर लिया और उसके बाद में हम करते हैं एक कंपनी को शट करते हैं, जैसे श्रीराम लैंड कंपनी है, इसको हम यहाँ से शट यानी कि इसको बंद कर देते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, अब इस सर्विस कंपनी के लिए हमें जीएसटी को ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। अब इनेबल करने के बाद से हम वही ऑप्शन आपके लिए यस पे चलेंगे हम, और उसके बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन टाइप है आपका रेगुलर है, किस टाइप के अंदर है, आपका जीएसटी का नंबर, मंथली फाइल करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर लेज़र है जो क्रिएट करने पड़ेंगे सर्विस के। उस कंडीशन में क्या हुआ था, गुड्स की कंडीशन के अंदर हमें सेल परचेज 5% 12% 18% के अलग अलग हम सेल के लेज़र परचेज के लेज़र क्रिएट कर लेते हैं और हमें स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन सर्विस की ऐसी स्थिति के अंदर आपको इन्वेंट्री क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई भी स्टॉक आइटम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइटम हम सेल ही नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ लेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं, लेज़र पर हम चलते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आप एक लीगल एडवाइस करते हो, तो जैसा कि आपने कह दिया यहाँ पे एक लेज़र बना दिया भी लीगल एडवाइस फीस, ठीक है। तो अब ये एक तरीके की आप अपना सर्विस है जो इसको सेल कर रहे हो, तो इसका ग्रुप आप रखोगे सेल्स के अंदर। देन अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो आपने लेज़र क्रिएट किया इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब सेट जीएसटी डिटेल को हम करेंगे यहाँ पर यस। अब यस करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो आपकी ये सर्विसेज हैं और आपकी जो सर्विस आती है जिस कैटेगरी में आती है उसका एचएसएन कोड आपको पता होना चाहिए। और अब यहाँ पर आप रखोगे यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल, तो टैक्सेबल रखोगे तो अब टैक्सेबल आपकी 18% की रहने वाली है। और अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाइज के अंदर हम रखेंगे सर्विस को, गुड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, एंटरप्राइज करेंगे। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे सीजीएसटी टैक्स के लेज़र हमारे क्रिएट करेंगे, ये रहेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी और सेंटर का टैक्स, और इसी तरीके से एसजीएसटी का टैक्स जीएसटी में और स्टेट का टैक्स। अब उसके बाद में जिस कस्टमर को आपने ये जो सेल किया उस कस्टमर का आपका लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें एक बना दें वी राम सिंह एंड कंपनी, यानी कि इस कंपनी को आपने सर्विस है जो दी थी, तो ये आपका ये एक तरीके से आपका कस्टमर है, तो आप इसको रखोगे सैलरी डेप्टर में। अगर ये रजिस्टर्ड है तो आप इसको रेगुलर रख के और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर हम डाल सकते हैं, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो आप इसको अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हो। अब उसके बाद में क्या करना होगा, आपको सिंपल वाउचर पे चलना होगा और अब सेल आपको करनी है। अब सेल की कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, ये जो चेंज मोड है हमें एक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो भी नेम ऑफ आइटम आ रहा है जबकि आइटम हमने क्रिएट ही नहीं करी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड, जैसे हम चेंज मोड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा आइटम इनवॉइस के बजाय में अकाउंटिंग इनवॉइस, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने आइटम सेल नहीं कर रहे, आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो। तो अब अकाउंटिंग इनवॉइस पे चलते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाएंगे तो यहाँ पर अभी आप देखना तो नेम ऑफ स्टॉक आइटम का जो ऑप्शन आ रहा था वो अब पर्टिकुलर आ चुका है, और उसके बाद में राम सिंह एंड कंपनी का नाम, और अभी हमने जो एक लीगल एडवाइस फीस के नाम से आकर आपने जो लेज़र क्रिएट किया था वो आपका अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर जीएसटी की अमाउंट, यहाँ पर आपके क्या करें
इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी अमाउंट आपकी क्या रहने वाली है। जैसे मान लीजिए एक बार यहाँ पर आपने भर दिया 5,000 रुपये का, तो जैसे आप 5,000 रुपये करोगे ना, तो ये 5,000 रुपये का ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर बना देगा। तो अब आपको टोटल अमाउंट लेनी है विद जीएसटी जोड़ के आपका कितना बना था, जैसा कि हमने जोड़ा था अभी विद टैक्स के अमाउंट ये 5,900 रुपये बनती है। तो आपको विद टैक्स इंक्लूजी, यानी कि जिस अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, वो अमाउंट है यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। तो आपको हम वापस समझाते हैं लीगल फीस। तो अब यहाँ पर आपको 5,900 रुपये इंक्लूड जीएसटी अमाउंट डालनी है। तो जैसे हम डालेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपकी टैक्सेबल अमाउंट 5,000 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद के अंदर आपकी जो सेल है वो तो टैक्सेबल है, तो आप यहाँ से सेल टैक्सेबल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इसने ऑटोमेटिक यहाँ से सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, तो इस तरीके से हम इसका टैक्स का चार्ज करेंगे, तो ये 5,900 रुपये इसकी अमाउंट बना देगा। और इसकी डिटेल अगर हम देखेंगे तो आपको एल्ट ए प्रेस करना है। जैसे हम एल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी भी आपकी 5,000 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है। और उसके बाद में अगर इसकी डिटेल हम पूरा डिटेल हम देखेंगे एल्ट एफ वन करके, तो आपकी इसकी डिटेल पूरी आ जाएगी भी 5,000 रुपये तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और 450 रुपये 450 रुपये 9% का टैक्स आ चुका है। तो ये टोटल अमाउंट आपका ये बन चुका है। और उसके बाद में अगर आप रेफरेंस नंबर देना चाहो दे सकते हो, और नरेशन के अंदर आप ये डिटेल लिख सकते हो भी आपने किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करी थी, क्या क्या बातें आपके उनके साथ डिस्कस हुई है। अगर आप अपना ये रिकॉर्ड मेंटेन करना रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हो और एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स के इनवॉइस है जो चार्ज करोगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये एक तरीके की आपकी डायरेक्ट इनकम बन चुकी है, तो ये इनकम के हेड में आ चुका है। तो आपकी ये 5,000 रुपये की सेल है, यानी कि 5,000 रुपये की एक तरीके की आपकी इनकम बन चुकी है। और बैलेंस शीट पे हम चल के देखेंगे, तो बैलेंस शीट पे जाएंगे तो ये आपका 900 रुपये जो टैक्स है वो आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। और उसके बाद में जो कस्टमर से आपने 5,900 रुपये है, अगर वो कस्टमर अगर आपको इसका पेमेंट नगद भुगतान करता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, श्रीराम एंड कंपनी के 5,900 रुपये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस एक नंबर इनवॉइस था। और उसके बाद में अगर ये कैश पेमेंट आता है तो हम इसको कैश करेंगे, अगर आपके पास ये बैंक के थ्रू आता है तो हम वो बैंक का लेज़र हमें क्रिएट करेंगे और उस बैंक के लेज़र को हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये कस्टमर का जो हमारा लेज़र है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। देखने के लिए हम वापस श्रीराम लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो भी 5,900 रुपये की हमने इसको सेल करी थी और ये 5,900 रुपये की इनकी रिसिप्ट भी आ चुकी है, तो ये अकाउंट इसका जीरो हो चुका है। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए भी गुड्स की कंडीशन में हमें किस तरीके से ऑप्शन को यूज़ करना होता है और सर्विस की कैटेगरी के अंदर हमें किस टाइप के ऑप्शन को यूज़ करना होता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।